Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well, friend. This video is all about Axora plant care in summers. तो friends, Axora एक ऐसा summer flowering plant है जिसे अगर आप direct sunlight में रखोगे तो वहाँ पर ये flowering तो अच्छे से नहीं करेगा. इसके साथ साथ friends इसमें और भी दिक्कतें आती हैं जो कि आज मैं आपको विद सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो थोड़े से निग्लेक्टेड हो गए थे, जिन्हें मैंने फुल डे सनलाइट में रख दिया था, जिससे मेरे प्लांट्स भी ख़राब हो गए. और ये वाला आप प्लांट देखो, यहाँ पे मॉर्निंग की 5 to 6 आवर्स की इसको सनलाइट मिल जाती है सुबह 7 बजे से. तो ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं. तो आज के पूरे वीडियो में आपको इसी प्लांट की केयर एंड टिप्स, स्पेशली समर सीजन में आपको कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों से बचना है, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो फ्रेंड्स आपको भी रिजल्ट बहुत ही हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग देखने को अपने प्लांट्स में मिलेगी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सेमी शेड लविंग पेरिनियल प्लांट होता है. तो इसको आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पे मॉर्निंग की 7 बजे से लेकर फ्रेंड्स 12 बजे के पहले तक की जो सनलाइट होती है वो अगर इस प्लांट को मिलेगी तो वहाँ पे ये प्लांट फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है. और पेरिनियल बाय नेचर होता है तो फ्रेंड्स सालों साल आपके यहाँ ये यूं ही बना रहेगा. विंटर्स का डोमेंसी का पीरियड होता है तो उस समय इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो पूरी शेड हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है फिर से इसमें पत्तियाँ निकलने लगती हैं और इसी तरीके से हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग भी होती है. तो आपको इसमें वाटरिंग जो दूसरी टिप फॉलो करनी होगी, क्योंकि गर्मी टाइम है तो इस समय आपको रेगुलर वाटरिंग करनी होगी. ऐसा नहीं है कि आपको अपने प्लांट को बिल्कुल सुखा देना, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हैवी नंबर में फ्लावर्स बना के देता है तो उसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है. इसमें आपको इस तरीके से ट्री वैरायटी और ड्वार्फ वैरायटी भी मिल जाएगी. अब मैं आपको मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स दिखा देती हूँ. 2 प्लांट है जो कि पूरी तरीके से फ्रेंड्स निग्लेक्टेड हो गए थे. करंट में कंडीशन आप देख लो, ऑल्दो फर्टिलाइजर्स मिलने की वजह से इसमें फ्लावरिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन पत्तियाँ पीली हो गई, इवन जल भी गई हैं. तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर ज़रूर रखना है. ये नहीं कि आपके प्लांट्स अगर फ्लावर बना रहे, लीव्स से आप अपने प्लांट की हेल्थ कंडीशन को ज़रूर मार्क करिए. तो आप फाइनली, मैंने आज इनको इनकी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया, इन्हें सेमी शेड वाले एरिया में रख दिया. और दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी होगी, इस तरीके से जो भी सूखी डंडियाँ आपके प्लांट में लगी हुई हैं, सूखी जो ब्रांचेज हैं, उनकी आपको टाइमली प्रूनिंग कर देनी है, ताकि वहीं से ही न्यू बैच ऑफ जो स्टेम होगी वो निकलेगी, उसी में बहुत ही खूबसूरत से और हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग होगी. तो आज मैं यही काम कर रही हूँ, जहाँ पे आप देखिए कितनी सारी पत्तियाँ मेरी झुलस गई हैं. ये देखिए बिल्कुल जल सी गई, क्योंकि ये पूरा टेरेस पे रखा हुआ था, इस वजह से ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये बिल्कुल ख़राब सी कंडीशन में. आप देखिए सबकी, दोनों ही प्लांट्स की पत्तियाँ पीली हो रही हैं. इसका मेन कारण यही है कि फ्रेंड्स इसको धूप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिल गई है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. प्लस अगर इसमें किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आज मैं उसके लिए भी आप लोगों को इसमें एक फर्टिलाइज़र डाल के दिखाऊंगी, जो कि फ्रेंड मैजिकल वर्कआउट करता है, जो कि ये है बनाना पील, जिसे आपको बिल्कुल सुखा कर अपने प्लांट्स में डालना है. आप देख सकते हो मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है. और इसमें इस समय फ्रेंड्स जो रिक्वायरमेंट है वो ये जो पत्तियां जो पीली हो रही हैं, इससे हमें बचना है. थोड़ा सा मतलब प्लांट पे हरी पत्तियां निकले, क्योंकि मैंने बीच में भी फ्रेंड्स एक बार डाला था, आई गेस 1 महीने पहले, उसका भी मैं आपको अपडेट इस प्लांट में दिखा दूंगी. इसके आपको छोटे छोटे से टुकड़े कर लेना है. छोटे से टुकड़े करने के बाद एक पील के बराबर आपको एक प्लांट में डाल देना है. ये जो फ्रेंड्स बनाना पील होता है, इसको कभी भी लिक्विड फॉर्म में मत दीजिएगा, नहीं तो आपके प्लांट्स में पेस्ट अटैक हो सकता है. सेफ साइड बिल्कुल इसको सुखा लीजिए. इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो फोलियज ग्रोथ के लिए ये नहीं है. इसमें फॉस्फोरस और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है पोटेशियम. और कई बार होता है फ्रेंड पोटेशियम की भी कमी से, इवन मैग्नीशियम की कमी से आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली होती, क्योंकि मैंने इसको डाला था मेरे एरिका पाम में, उसमें पत्तियाँ जो थी, इवन गुलाब में भी डाला था, तो हरी हो गई थी. तो इस वजह से मैं इसमें भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये पत्तियाँ पीली जब होती है तो अगर आप इसको डालोगे तो आपको इसको विद इन 1 महीना फ्रेंड्स आपको लगेगा इसमें रिजल्ट देखने के लिए. मैंने इसमें डाला भी हुआ है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ. जब आप डाल दो तो गुड़ाई भी आपको कर देना. तो बनाना पील जो होता है वो पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है. अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं इसे, मैग्नीशियम वगैरह भी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो जो कि आपके प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा. फ्लावरिंग के लिए मेन ये बूस्टअप करता है, और जो आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली होती हैं उससे भी आपके प्लांट्स को बचाता है, और आपकी पत्तियाँ जो प्लांट्स की होंगी वो वापस से हरी सी हो जाएंगी. मैं आप भी आपको मेरे ये जो बगल वाला प्लांट है उसमें मैंने डाला हुआ था, उसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, लाइव मैं आपको दिखा देती हूँ. और ये जो मैं आज काम करके दिखा रही हूँ, इसका भी मैं अपडेट आपको, क्योंकि
क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया। अब मैं आपको उसका अपडेट भी एक महीने के बाद एटलीस्ट दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अब जब आप डाल देते हो तो थोड़ा थोड़ा सा पानी भी आपको इसमें डाल देना, ताकि ये जो अभी हमने बनाना पील डाला है ये अपना जो काम है वो अभी से दिखाना शुरू कर दे। बनाना पील फ्रेंड एक्सीलेंट वर्कआउट करता है, लेकिन फोलिएज ग्रोथ के लिए आपको इस पर वो नहीं जोर नहीं डालना है। आपको अगर फ्लावरिंग चाहिए और इसी तरीके से पत्तियाँ, आप देखिए फ्रेंड्स बीच में आपको पत्तियां हरी भी दिख रही हो, और अगर आपके प्लांट्स में चींटी लगी है तो वो भी फ्रेंड्स एक रीज़न होता है कि पत्तियां पीली, इसका भी रीज़न होता है पेस्ट अटैक का भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बनाना मैंने जो डाला था उसका अपडेट आप ये देखो, बीच से जो पत्तियां निकल रही हैं वो हरी निकल रही हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि जो मैंने एक महीने पहले बनाना पील डाला था उसने वर्कआउट किया। चूँकि ये प्लांट लंबे समय तक फुल डे सनलाइट में रखा था तो इस वजह से इसकी पत्तियां पूरी झुलस और जलती गई। अब मैं इसको शेड में रखूंगी तो उसका भी अपडेट आपको दिखाऊंगी। अगर आपके प्लांट्स में चींटियां लगी हुई हैं तो इंडिकेशन है कि पेस्ट अटैक हुआ है। उससे बचने के लिए फ्रेंड्स आपको नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में एक बार ज़रूर से ज़रूर कर देना। आप फ्रेंड देख भी सकते हो, जो भी प्लांट अगर निग्लेक्टेड हो जाता, कभी कभार हमारे पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स पर ध्यान अगर नहीं जा पाता है तो वो प्लांट अपनी कंडीशन को दिखाकर हमें जताता है कि अब आपको मेरे ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब ये आप देख सकते, तो इस समय मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये एक से डेढ़ महीने में मेरा ये जो पूरा प्लांट है वो रिवाइव कर जाएगा। तो चींटियाँ अगर हैं तो ये जान लीजिएगा पेस्ट अटैक हुआ है, मिली बग्स हो गया या किसी भी तरीके का पेस्ट आपके प्लांट्स में लगा हुआ है। गर्मी के टाइम में मिली बग सबसे ज़्यादा प्लांट्स में लगते हैं, तो 15 दिन में एक बार आप स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद यही आपको रिपीटेशन करना है, हर 15-15 दिन पे करेंगे तो ये वाली आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्प्रे भी कर दिया है, और जब आप एक्जोरा के प्लांट को लगाते हैं तो कोशिश यही करिएगा कि 12 इंच के पॉट में आप लगाइए, ताकि वहाँ पर आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। आप फ्रेंड देखो फ्लावरिंग कितनी अच्छे से हो रही है, इतना पूरा गुच्छों में फ्लावर्स लगे हुए हैं लेकिन पत्तियां इतनी पीली हैं कि वो पूरा जो फ्लावरिंग का मजा है ना वो किरकिरा कर दे रही है, और प्लांट भी दिख भी रहा है कि उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए दोनों ही प्लांट्स में बर्ड्स वगैरह निकल रही हैं लेकिन पत्तियां पीली हो रही हैं। और अगर आप अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हो या फिर अंडर वाटरिंग कर रहे हो, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही है। मुझे मेरा रीज़न पता चल गया, क्योंकि मैंने इसे फुल डे सनलाइट में रखा था और थोड़ी बहुत इसमें चींटियां भी लग रही, तो इसका मतलब इसमें पेस्ट का भी अटैक हुआ है। तो ये मैंने आज आपको काम करके दिखा दिया, इसका अपडेट मैं आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगी। बस आपको एक्जोरा के प्लांट को सेमी शेड में रखना है, वाटरिंग इसको आप रेगुलरली करिए क्योंकि गर्मी का टाइम है, और महीने में एक बार आप इसे बोन मील और नीम खली से फर्टिलाइज कर देंगे तो ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स बनाकर देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।